बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करने लगे हैं जी केमिस्ट्री, नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री है, उसका चैप्टर नंबर 5 है फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। मादा की फिजिकल स्टेट्स कितनी हैं इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। आज हम जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो हम जो फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर हैं उसकी, मादा की जो पहली सूरत है वो गैस, उसको हम, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करेंगे। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि लेक्चर पूरा अटेंड करें, सुनें। सबसे पहले तो मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद मैं अपनी बुक खोलूंगा, आपको कहूंगा कि अपनी बुक्स ओपन कर लें, मैं आपको रीडिंग भी करवाऊंगा, जो इंग्लिश में लिखा हुआ होगा उसको ट्रांसलेट करके भी आपको बताता जाऊंगा। सबसे पहले आपको बोर्ड के ऊपर समझाऊंगा। तो आए वक्त ज़ाया किए बगैर हम शुरू करते हैं फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। सबसे पहला सवाल टॉपिक शुरू करने से पहले जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि फिजिकल स्टेट से क्या मुराद है। हम पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें फिजिकल स्टेट का मतलब पता नहीं होता, क्योंकि ये नाइन्थ की केमिस्ट्री है, नाइन्थ जूनियर के बच्चे भी बैठे हुए होते हैं। तो फिजिकल स्टेट से क्या मुराद है बताएं जी। फिजिकल स्टेट से मुराद सोचें, बिल्कुल मैं पूछता हूं आपसे, किसी ने भैंस देखी है? हाँ जी, सबने देखी हुई है। मैं कहता हूं कि वो कैसी दिखती है? आप कहते हैं कि सर उसका, भैंस का कलर है वो ब्लैक होता है, चार टांगें होती हैं, दो सींग होते हैं, तो आप मुझे ये बता रहे होते हैं, तो इसका मतलब है आप फिजिकली उसे डिस्क्राइब कर रहे हैं, फिजिकली। मैं कहता हूँ कि मेरी फिजिकल सिचुएशन क्या है, फिजिकली मैं कैसा हूँ? आप कहते हैं कि सर आपके बाल छोटे हैं, आपके दो हाथ हैं, हाथ की 5 उंगलियाँ हैं और 2 बाजू हैं आपके, 2 शोल्डर्स हैं, 2 आंखें हैं, अल्लाह ने 1 नाक दिया हुआ है, ये क्या है? फिजिकली हम डिस्क्राइब कर रहे हैं किसी चीज़ को। ये तो मैंने इस इंसान और भैंस की मिसाल दी। अब हम मैटर की बात करते हैं, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी मैटर क्या चीज़ है। सबसे पहले तो आपको मैटर का पता होना चाहिए, मैटर आपके पास क्या चीज़ है। हाँ जी, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि सबसे पहले तो आपको मैटर का पता होना चाहिए कि मैटर क्या चीज़ है। बताएं जी मैटर क्या चीज़ है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आप यहाँ से देख सकते हैं, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, कोई भी चीज़ जिसका कोई मास है और उसने कोई जगह घेरी हुई है वो क्या कहलाती है जी? मैटर। ये मेरे हाथ में क्या है जी? मार्कर है। इसका मास है? बिल्कुल है। और इसने कोई ना कोई जगह घेरी हुई है? बिल्कुल घेरी हुई है। तो ये क्या है? मैटर। खत्म हो गया। हाँ जी, यहां तक आपको फिजिकल स्टेट की भी समझ आ गई और मैटर की भी समझ आ गई। हम थोड़ा सा चैप्टर को कवर करने के लिए बेस बना रहे हैं। फिजिकल स्टेट भी समझ आ गई और मैटर की भी समझ आ गई। मैटर वो होता है एनीथिंग दैट हैज मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस, इसका मैटर, वो क्या होता है? मैटर। अब बुनियादी तौर पे मैटर की 4 हालतें हैं, 4 किस्में हैं। पहली है जी गैस। आप फेमिलियर हैं गैस से, जो आप क्या करते हैं डेली घर में जलाते हैं, गैस है। आप हवा में सांस लेते हैं, ये क्या है? मुख्तलिफ गैसेस इसके अंदर शामिल हैं, ये भी गैस है। ऑक्सीजन हो गई, ये भी गैस है। हाइड्रोजन हो गई, ये भी हाइड्रोजन गैस हो गई। तो ये सारी क्या है? गैसेस हैं। जो आप घर में जलाते हैं वो भी एक गैस है, पता है आपको। लिक्विड, लिक्विड के बारे में भी आपको पता है, लिक्विड क्या है? पानी पीते हैं, ये आपका लिक्विड है। मिल्क है, लिक्विड है। तीसरी चीज़ है सॉलिड। सॉलिड भी आपको पता है, ये मार्कर है आपके पास, सॉलिड है। ये बेंच है आपके पास, सॉलिड है। ये आपके पास बोर्ड है आपके पास, सॉलिड है। ये सारी एग्जांपल्स मैं आपको देसी एग्जांपल्स दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ आ जाए, लेकिन केमिस्ट्री के लिहाज से हम टॉपिक वाइज एक एक चीज़ को पकड़ेंगे और उसको समझाएंगे। चौथी किस्म है प्लाज्मा। ये आपकी नाइन्थ की केमिस्ट्री में यहाँ डिस्कस नहीं किया गया, फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री है, वहाँ पर जाके इसको डिटेल में डिस्कस किया गया है, हम इसको छोड़ देते हैं। ये 3 स्टेट्स हमने डिस्कस करनी है मैटर की इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहली स्टेट है गैस, फिर क्या है? लिक्विड, फिर क्या है? सॉलिड। अब हम गैस को सबसे पहले क्या करेंगे जी? डिटेल में स्टडी करेंगे। जो फिजिकल स्टेट है, गैसियस स्टेट है, उसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है गैसियस स्टेट की, यहां मैं इसको साफ कर देता हूं।
गैसियस स्टेट पहली क्या है जी, गैस थी तो गैसियस स्टेट पहली प्रॉपर्टी क्या है गैस की, डिफ्यूजन है, और दूसरी प्रॉपर्टी है इफ्यूजन। इस डिफ्यूजन और इफ्यूजन को समझने के लिए मैं ये दोनों चीजें साथ साथ लिख देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। डिफ्यूजन और इफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या है, इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, रैंडमली मिक्स अप हो जाते हैं रैंडमली। अब दो चीजें आपने गौर करनी है, क्या होता है गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन करते हुए, यहां पे मैंने यहां लिखा हुआ है गैस के मॉलिक्यूल्स। डिफ्यूजन में क्या बात कर रहे थे कि गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते हुए एक दूसरे में मिक्स अप हो जाते हैं। अब यहां दो वर्ड है, रैंडमली क्या होकर एक वर्ड आया जी, रैंडमली। रैंडमली का क्या मतलब होता है, रैंडमली मूवमेंट का क्या मतलब होता है, बेतरतीबी हरकत, बेतरतीबी हरकत। अब फॉर एग्जांपल जैसे जब ब्रेक होती है, हमारे पास ब्रेक का वक्त होता है, जब आप बाहर निकलते हैं, 6-7 क्लासेस बाहर निकल रही होती हैं, तो आप क्या कर रहे होते हैं, कोई किधर जा रहा है बच्चा, कोई किधर जा रहा है, कोई किस तरफ जा रहा है, कोई किस तरफ जा रहा है, आप क्या कर रहे होते हैं, रैंडम मूवमेंट कर रहे होते हैं। यानी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये, एक ये गैस के इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, ये कोई किधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है, ये वाला इधर मूव कर रहा है, ये वाला इधर मूव कर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, रैंडम मूवमेंट यानी बेतरतीबी हरकत। तो गैस के मॉलिक्यूल्स हमेशा क्या करते हैं, बेतरतीबी हरकत। याद रखें एक सिलेंडर के अंदर गैस मौजूद है तो गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे होंगे, सिलेंडर की वॉल्स के साथ भी, दीवारों के साथ भी क्या कर रहे होंगे, टकरा रहे होंगे, कोई इस दीवार के साथ टकरा रहा है, कोई इसके साथ टकरा रहा है, कोई इस तरह, हर वक्त ये मोशन में होते हैं, हर वक्त मोशन में होते हैं, हरकत में होते हैं। क्यों, क्योंकि इनके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, दे पोजेस वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। तो ये रैंडम मोशन करते हैं, रैंडम मोशन करते हुए ये क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। अब थोड़ा सा एक मिसाल लें, मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूं, टायर के फटने की मिसाल लें उसमें, और दूसरा टायर के पंचर होने की मिसाल लें। जब टायर फटता है तो उसमें क्या होता है, टायर के अंदर गैस होती है, हवा होती है ना, जब टायर अचानक फटता है तो उसके मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल्स, हवा के मॉलिक्यूल्स, बाहर वाली हवा के मॉलिक्यूल्स के साथ फौरन ही रैंडमली मूव करते हुए मिक्स हो जाते हैं। जैसे फटता है आप देखते हैं टायर ट्यूब खाली हो जाती है और वो सारी हवा क्या करती है, बाहर वाली हवा के साथ मिक्स अप हो जाती है। तो रैंडमली मूव करते हुए एकदम ही क्या हो जाता है, मिक्स अप हो जाता है। अब दूसरी मिसाल लें टायर के पंचर होने की, टायर के पंचर और एक कील लगता है टायर में, बाइक के टायर में, आपको उसी वक्त पता चल जाता है, नहीं थोड़ी देर बाद जाके, दूर जाके आपको पता चलता है टायर हमारा क्या हो गया है, पंचर हो गया है। अब जब टायर फटता है तो उसी टाइम पता चलता है, क्योंकि वो उसी वक्त ही रैंडमली मूव करते हुए मिक्सअप हो जाते हैं। लेकिन जब टायर पंचर होता है तो एक छोटा सा सुराख होता है, उस सुराख में से टायर पंचर होता है, मैं आपको बता रहा हूं, उस छोटे से सुराख में से तरतीब के साथ टायर पंचर हुआ। ये देखें, ये टायर समझ लें, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। अब यहां पे होल हो गया, सुराख हो गया, यहां पे क्या हो गया, सुराख हो गया। अब एक एक करके यहां से मॉलिक्यूल क्या करेगा, एस्केप करेगा, एक एक करके मॉलिक्यूल क्या करेगा, एस्केप करेगा। ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला गया, दूसरा आएगा वो इधर चला गया, तीसरा, यानी बाहर निकलते जाएंगे एक एक करके मॉलिक्यूल तरतीब के साथ। तो इसको क्या बोलते हैं, इफ्यूजन। अब बेसिक फर्क आपको समझ आया, डिफ्यूजन में क्या होता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, बेतरतीबी हरकत करते हुए क्या कर जाते हैं, स्पोंटेनियसली एक ही वक्त में मिक्स अप हो जाते हैं। जबकि इफ्यूजन में क्या होता है, ये मिक्सिंग अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स, इसको क्या लिखते हैं जी,
ये क्या है, मिक्सिंग अप ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स थ्रू अ टिनी होल एक छोटे से सुराख में से क्या करते हैं, एस्केपिंग का क्या मतलब होता है, फरार होना, एस्केपिंग का मतलब क्या है, फरार होना, यानी एस्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स थ्रू अ टिनी होल, एक एक करके उस गैस के मॉलिक्यूल उस सुराख में से क्या कर जाते हैं, गुजर जाते हैं, ये क्या कहलाती है जी आपके पास, इफ्यूजन। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप एयर फ्रेशनर लेके आते हैं रूम के अंदर, आप रूम में एयर फ्रेशनर लगाते हैं, डोर के साथ खड़े होकर यूं जोर देते हैं और गैस उसमें डालते हैं रूम के अंदर, तो मुझे बताएं कि क्या ये डिफ्यूजन है या इफ्यूजन है, बताएं जी, ये डिफ्यूजन है, क्योंकि एक एक तरतीब से नहीं जाता गैस का मॉलिक्यूल, वो पूरे रूम में अचानक ही क्या करते हैं, फैल जाते हैं, ये क्या हो गई, डिफ्यूजन हो गई। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जरा मुंह खोलें, देसी एग्जांपल, सांस लें, देखें मुंह खोल के आप सांस ले रहे हैं, ये क्या है, डिफ्यूजन, ये क्या है, डिफ्यूजन। आप ये होंठ गोल करें, ये क्या है, एक एक करके जो मॉलिक्यूल निकल रहा है, ये क्या है, इफ्यूजन। डिफ्यूजन और इफ्यूजन, यहां तक देसी मिसालें देते हुए मुझे अंदाजा है कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखें डिफ्यूजन को देखते हैं, गैस डिफ्यूजेस रैपिडली, ये इसकी प्रॉपर्टी है, बहुत जल्दी से डिफ्यूज हो जाती है, मैंने आपको बताया है गैस डिफ्यूज भी होती है और इफ्यूज भी होती है। दूसरा पॉइंट क्या है, स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल्स का स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद मिक्स हो जाना बाय रैंडम मोशन, बेतरतीबी हरकत करते हुए, ये क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। पॉइंट्स बना के मैंने लिखा हुआ है। अब डिफ्यूजन की रेट कैसे होगी और इफ्यूजन की रेट कैसे होगी, कौन सी गैस ज्यादा जल्दी डिफ्यूज होगी और कौन सी गैस ज्यादा देर से डिफ्यूज होगी, यहां मैंने लिखा हुआ है लाइटर गैस डिफ्यूजेस फास्टर, जो गैस हल्की होगी वो क्या जल्दी डिफ्यूज कर जाएगी और जो गैस भारी होगी वो देर से डिफ्यूज करेगी। एग्जांपल यहां पे दी हुई है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस हल्की है, ऑक्सीजन क्या है, भारी गैस है, अगर हमने हाइड्रोजन को डिफ्यूज करवाना है तो ये 4 गुना कम टाइम लेगी देन ऑक्सीजन। मैं आपको मिसाल देता हूं, एक टाइप में आपने भर देनी है हाइड्रोजन, मिसाल दे रहा हूं, दूसरे टाइप में भर देनी है ऑक्सीजन, आपने इन दोनों को डिफ्यूज करवाना है, अगर ऑक्सीजन वाला टायर 4 सेकंड ले रहा है डिफ्यूज होने में तो हाइड्रोजन वाला टायर कितना सेकंड लेगा, 1, यानी 4 गुना कम वक्त लेती है हाइड्रोजन गैस डिफ्यूज होने में। इसी तरह इफ्यूजन की भी सेम यही प्रॉपर्टीज है, जो हल्की गैस होगी वो जल्दी इफ्यूज हो जाएगी और जो भारी गैस होगी वो आपके पास देर से इफ्यूज होगी। अब यहाँ गैस की हमने 2 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, डिफ्यूजन और इफ्यूजन। आपसे गुजारिश है कि आप अपनी बुक खोल लें, सबसे पहले तो मैं इनकी रीडिंग आपको करवा दूं। बुक पेज नंबर 76, फिजिकल स्टेट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसकी पहली प्रॉपर्टी है जी डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में लिखा हुआ है गैसेस कैन डिफ्यूज वेरी रैपिडली, गैसेस बहुत जल्दी डिफ्यूज हो जाती हैं। डिफ्यूजन इज डिफाइंड एज, यहां से अंडरलाइन करें, इसकी डेफिनेशन आ रही है, स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स का खुद ब खुद मिक्स अप हो जाना, स्पॉन्टेनियस मतलब खुद ब खुद मिक्स अप हो जाना बाय रैंडम मोशन, बेतरतीबी हरकत करते हुए एंड कोलिजंस, और एक दूसरे से टकराते हुए टू फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर, और एक होमोजीनियस मिक्सचर बना देना। आगे लिखा हुआ है रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन द मॉलिक्यूलर मास, रेट ऑफ डिफ्यूजन इन्हसार करती है अपॉन द मॉलिक्यूलर मास, किसके ऊपर, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस, गैस के मॉलिक्यूलर मास पे, जितना मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उतनी डिफ्यूजन कम होगी, जितना मॉलिक्यूलर मास कम होगा उतनी डिफ्यूजन ज्यादा होगी।
मैंने आपको बताया है गैस डिफ्यूज भी होती है और इफ्यूज भी होती है। दूसरा पॉइंट क्या है, स्पोंटेनियस मिक्सिंग अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल्स का स्पोंटेनियसली खुद ब खुद मिक्स हो जाना बाय रैंडम मोशन, बेतरतीबी हरकत करते हुए, ये क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। पॉइंट्स बना के मैंने लिखा हुआ है। अब डिफ्यूजन की रेट कैसे होगी और इफ्यूजन की रेट कैसे होगी, कौन सी गैस ज्यादा जल्दी डिफ्यूज होगी और कौन सी गैस ज्यादा देर से डिफ्यूज होगी, यहां मैंने लिखा हुआ है लाइटर गैस डिफ्यूजेस फास्टर, जो गैस हल्की होगी वो क्या जल्दी डिफ्यूज कर जाएगी और जो गैस भारी होगी वो देर से डिफ्यूज करेगी। एग्जांपल यहां पे दी हुई है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस हल्की है, ऑक्सीजन क्या है, भारी गैस है, अगर हमने हाइड्रोजन को डिफ्यूज करवाना है तो ये 4 गुना कम टाइम लेगी देन ऑक्सीजन। मैं आपको मिसाल देता हूं, एक टायर में आपने भर देनी है हाइड्रोजन, मिसाल दे रहा हूं, दूसरे टायर में भर देनी है ऑक्सीजन, आपने इन दोनों को डिफ्यूज करवाना है, अगर ऑक्सीजन वाला टायर 4 सेकंड ले रहा है डिफ्यूज होने में तो हाइड्रोजन वाला टायर कितना सेकंड लेगा, 1, यानी 4 गुना कम वक्त लेती है हाइड्रोजन गैस डिफ्यूज होने में। इसी तरह इफ्यूजन की भी सेम यही प्रॉपर्टीज है, जो हल्की गैस होगी वो जल्दी इफ्यूज हो जाएगी और जो भारी गैस होगी वो आपके पास देर से इफ्यूज होगी। अब यहाँ गैस की हमने 2 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, डिफ्यूजन और इफ्यूजन। आपसे गुजारिश है कि आप अपनी बुक खोल लें, सबसे पहले तो मैं इनकी रीडिंग आपको करवा दूं। बुक पेज नंबर 76, फिजिकल स्टेट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसकी पहली प्रॉपर्टी है जी डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में लिखा हुआ है गैसेस कैन डिफ्यूज वेरी रैपिडली, गैसेस बहुत जल्दी डिफ्यूज हो जाती हैं। डिफ्यूजन इज डिफाइंड एज, यहां से अंडरलाइन करें, इसकी डेफिनेशन आ रही है, स्पोंटेनियस मिक्सिंग अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स का खुद ब खुद मिक्स अप हो जाना, स्पोंटेनियस मतलब खुद ब खुद मिक्स अप हो जाना बाय रैंडम मोशन, बेतरतीबी हरकत करते हुए एंड कोलिजंस, और एक दूसरे से टकराते हुए टू फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर, और एक होमोजीनियस मिक्सचर बना देना। आगे लिखा हुआ है रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन द मॉलिक्यूलर मास, रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स, रेट ऑफ डिफ्यूजन इन्हसार करती है अपॉन द मॉलिक्यूलर मास, किसके ऊपर, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस, गैस के मॉलिक्यूलर मास पे, जितना मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उतनी डिफ्यूजन कम होगी, जितना मॉलिक्यूलर मास कम होगा उतनी डिफ्यूजन ज्यादा होगी। हाँ जी, आपसे मैं पूछता हूं, अभी मैंने बताया है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन किसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है, मॉलिक्यूलर मास के ऊपर, गैस के मॉलिक्यूल्स का मास कितना है, जितना मास ज्यादा होगा उतनी गैस देर से डिफ्यूज होगी। आगे लिखा हुआ है, आगे देखें, लाइटर गैसेस डिफ्यूज रैपिडली, जो हल्की गैसेस होती हैं वो जल्दी डिफ्यूज हो जाती हैं देन हैवियर गैसेस, हैवियर गैसेस से। फॉर एग्जाम्पल आगे उसने लिखा हुआ है हाइड्रोजन डिफ्यूजेस 4 times फास्टर, हाइड्रोजन 4 गुना तेजी से डिफ्यूज हो जाती है देन ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस से, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूलर मास क्या है, ज्यादा है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास क्या है, कम है, ऑक्सीजन ज्यादा टाइम लेती है, हाइड्रोजन कम टाइम लेती है। इसी तरह इफ्यूजन देखें, अब जरा बेसिक आपको फर्क समझ आएगा। उसने लिखा है इट इज एस्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ये गैस के मॉलिक्यूल्स का निकल जाना है, फरार हो जाना है, कहां से, थ्रू अ टिनी होल, एक छोटे से सुराख से, इनटू अ स्पेस, एक ऐसी स्पेस में विद लेसर प्रेशर, जिसका प्रेशर कम हो, टायर पंचर होता है उसके अंदर प्रेशर ज्यादा होता है, बाहर हवा का प्रेशर कम होता है, तो उस होल में से एक एक करके क्या कर जाता है, एस्केप कर जाते हैं, ये होती है इफ्यूजन। फॉर एग्जांपल आगे उसने लिखा हुआ है मिसाल के तौर पे, व्हेन टायर गेट्स पंचर्ड, जब टायर पंचर हो जाता है, एयर इफ्यूज इज आउट, हवा बाहर निकल जाती है,
इफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन द मॉलिक्यूलर मास, इफ्यूजन भी मॉलिक्यूलर मास के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। लाइटर गैसेस इफ्यूजेस फास्टर, जो हल्की गैस होगी वो जल्दी इफ्यूज कर जाएगी देन हैवियर गैसेस, हैवियर गैसेस से। अब ये हाइड्रोजन भी जल्दी इफ्यूज करेगी, हाइड्रोजन जल्दी डिफ्यूज करेगी। यहां हमने दो प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, पहली प्रॉपर्टी हमने डिफ्यूजन पढ़ी, दूसरी इफ्यूजन पढ़ी। हो सो कि यहां आपको ये दोनों प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई होगी। अब हम तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, प्रेशर की तरफ। तीसरी प्रॉपर्टी है जी प्रेशर, मैं इसको साफ कर देता हूं। प्रेशर को समझाने से पहले मैं आपको बता चुका हूं, आप बखूबी जानते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं, उनकी मोशन क्या होती है, रैंडम मोशन होती है उनकी। और दूसरी बात मैंने आपको कही है कि वो क्या करते हैं, सिलेंडर की दीवारों के साथ भी टकराते हैं और आपस में भी क्या करते रहते हैं, टकराते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हम सिलेंडर ले लेते हैं, ये हमारे पास सिलेंडर है गैस का, इसके अंदर गैस भरी हुई है। अब ये मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, ये मैं गैस के मॉलिक्यूल्स बना रहा हूं। ये हमारे पास एक सिलेंडर है, मैंने बना दिया है, इसके अंदर ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। मैंने आपको कहा है ये रैंडम मोशन करते हैं, कोई इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये वाला इधर जा रहा है, ये इससे टकरा रहा है, ये इस दीवार से टकरा रहा है, ये इस दीवार से टकरा रहा है, ये वाला इधर मूव कर रहा है, ये वाला इधर मूव कर रहा है, आके इस दीवार से टकराता है, ये इस दीवार से टकरा रहा है, ये इधर टकरा रहा है। यानी गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं, वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ क्या कर रहे हैं, टकरा रहे हैं। अब गैस का मॉलिक्यूल आके दीवार के साथ लगेगा सिलेंडर की, कोई ना कोई फोर्स लगाएगा ना, किसी फोर्स के साथ ही लगेगा ना। अब इस एरिया के ऊपर, ये एरिया है, इसको क्या बोलते हैं हम, एरिया। इस एरिया के ऊपर ये वाला मॉलिक्यूल आके टकराता है, यहां पे क्या लगा रहा है, फोर्स। क्या लगा रहा है, फोर्स, किसके ऊपर, एरिया के ऊपर। अब असल में क्या है, यही चीज प्रेशर है। प्रेशर क्या होता है, फोर्स, फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। यानी ये फोर्स जिस एरिया के ऊपर लग रही है, सॉरी प्रेशर, प्रेशर क्या है, प्रेशर क्या है, फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स ऑन पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया के ऊपर जितनी फोर्स लग रही है वो क्या है, आपका प्रेशर है। अब फोर्स को हम किससे डिनोट करते हैं, एफ से। एरिया को किससे डिनोट करते हैं, ए से। प्रेशर को पी से, प्रेशर की जगह पी, फोर्स की जगह एफ और एरिया का ए। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। फोर्स का यूनिट, ऐसा यूनिट है हमारे पास न्यूटन। अच्छा जी, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या बता रहे थे, न्यूटन, और एरिया का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वेयर। अब प्रेशर का क्या यूनिट आ गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। ये देखें, फोर्स का क्या है, न्यूटन, एरिया का क्या है, मीटर स्क्वेयर। इसका यूनिट होता है मीटर स्क्वेयर, इसका यूनिट होता है न्यूटन, न्यूटन को हम एन से डिनोट करते हैं। तो प्रेशर का क्या यूनिट आ गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर, इसको हम यू भी लिख सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। अब ये एक न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर किसके बराबर होता है, एक पास्कल के, एक पास्कल के। अब प्रेशर का दूसरा यूनिट क्या होता है, पास्कल भी होता है। प्रेशर का दूसरा यूनिट क्या होता है, पास्कल भी होता है। अब एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसके बराबर होता है, एक पास्कल के। तो सबसे पहले तीसरी प्रॉपर्टी आपको समझ आ गई कि प्रेशर क्या होता है, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। तो बात हो रही थी प्रेशर के यूनिट की, प्रेशर का यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसका ऐसा स्टैंडर्ड यूनिट है। और एक वन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसके बराबर होता है, एक पास्कल के, वन पास्कल के। तो ये दोनों आपस में बराबर है, तो न्यूटन का दूसरा यूनिट पास्कल भी है। यहां तक आपको समझ आ गई प्रेशर की, यानी गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते हैं और वो रैंडमली मूव करते हुए टकराते हैं आपस में, और विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, और कंटेनर की वॉल्स के साथ
तो जो फोर्स लगाते हैं यूनिट एरिया के ऊपर उसको क्या बोलते हैं? प्रेशर। अब प्रेशर का क्या आ गया? फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। अब इसको बुक्स ओपन करें, इसको अच्छी तरह मैं आपको रीडिंग करवा देता हूं, समझा देता हूं। देखें, गैस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन अ कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ मोशन। गैस के मॉलिक्यूल्स हमेशा बेतरतीबी हरकत करते रहते हैं। क्यों करते रहते हैं? लेक्चर में बताया क्यों। क्योंकि उनके पास हाई काइनेटिक एनर्जी होती है, उनके पास हाई काइनेटिक एनर्जी होती है। हेंस व्हेन मॉलिक्यूल्स स्ट्राइक विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, जब मॉलिक्यूल दीवारों से, कंटेनर की दीवारों से टकराते हैं और एनी अदर सरफेस या किसी दूसरी सरफेस से, दे एग्जर्ट प्रेशर। वो वहां पे क्या लगाते हैं? प्रेशर। प्रेशर इज डिफाइंड एज, यहां से उसकी डेफिनेशन आ रही है, द फोर्स एग्जर्टेड पर यूनिट सरफेस एरिया। फोर्स एग्जर्टेड पर यूनिट सरफेस एरिया, वो फोर्स जो यूनिट एरिया के ऊपर लग रही होती है उसको क्या बोलते हैं? प्रेशर। नीचे देखें, प्रेशर को पी से, पी इज इक्वल टू एफ ओवर ए, नीचे उसने लिखा है एस आई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन है। एंड दैट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वेयर, और एरिया का क्या है? मीटर स्क्वेयर है। तो क्या आ जाएगा? प्रेशर का क्या आ जाएगा? स्टैंडर्ड यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। तो एक न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर किसके बराबर आ गया जी? 1 पास्कल के। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर किसके बराबर आ गया? 1 पास्कल के। यहां हमने 3 प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कंप्रेसिबिलिटी का, मोबिलिटी का और डेंसिटी ऑफ द गैसेस। ये तीनों प्रॉपर्टीज मैं आपको एक ही इसमें समझाऊंगा, फिर आपको रीडिंग करवा दूंगा। इजी है, बहुत आसान है। तो हम आगे बढ़ते हैं जी, इसकी प्रॉपर्टीज, आगे वाली प्रॉपर्टीज। अच्छा जी, अगली 3 प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्रेसिबिलिटी। उनमें पहली है जी कंप्रेसिबिलिटी, दूसरी है मोबिलिटी और तीसरी है जी डेंसिटी। कंप्रेसिबिलिटी नाम से ही जाहिर है, गैस को कंप्रेस करना। गैस को क्या करना? कंप्रेस करना। अभी मैंने आपको बताया है कि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासला ज्यादा होता है। गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासला, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये है, ये गैस के क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं। इनके दरमियान, हाँ जी, क्या बात हो रही थी कि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान एम्प्टी स्पेसेस फासला ज्यादा होता है। अब ये सॉलिड है, मार्कर सॉलिड है, इसके जो आपके पास कहीं खाली जगह आपको नजर आ रही है, आप इसको कंप्रेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये बोर्ड है, आप इसको कंप्रेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो जुड़े हुए हैं, वो करीब करीब जुड़े हुए हैं। जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। इनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। तो इसको हम अगर ऊपर प्रेशर बढ़ाएं, कोई वजन डालें, प्रेशर बढ़ाएं, तो हम इनको कंप्रेस कर सकते हैं। ये मॉलिक्यूल क्या आ जाएंगे? करीब करीब आ जाएंगे। ये सिलेंडर वही है, अब मॉलिक्यूल क्या आ गए? करीब करीब आ गए। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर क्या कर दिया जी? प्रेशर बढ़ा दिया। ये मॉलिक्यूल हमारे पास करीब करीब आ गए। हमने गैस को क्या कर दिया जी? कंप्रेस कर दिया। हम गैस को कंप्रेस कर सकते हैं, ये मॉलिक्यूल जो खाली जगह होती है वहां चले जाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? कंप्रेसिबिलिटी। यानी हम गैस के मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस कर सकते हैं। गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, गैसेस बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल होती हैं देन लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। लिक्विड और सॉलिड से ज्यादा ये क्या होती है? कंप्रेसिबल, यानी इनको कंप्रेस किया जा सकता है। आगे है जी मोबिलिटी, आसान है, आपको पता है, मैं आपको कई दफा बता चुका हूं कि गैस के मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि उनके पास हाई काइनेटिक एनर्जी होती है और दरमियान में एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। ये एम्प्टी स्पेस मिली, गैस के पास हाई काइनेटिक एनर्जी थी मॉलिक्यूल के पास, अब ये मॉलिक्यूल मूव करके यहां आ गया, ये वाला मॉलिक्यूल मूव करके यहां चला गया, ये वाला मूव करके यहां चला गया, ये वाला मूव करके यहां चला गया। तो गैस के मॉलिक्यूल्स मूव भी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, इसको क्या बोलते हैं? मोबिलिटी। क्यों मूव कर सकते हैं? क्योंकि क्या है? गैस के मॉलिक्यूल्स के पास क्या है जी? हाई काइनेटिक एनर्जी। ये क्या है? मोबिलिटी। मोबिलिटी यानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाना। और तीसरी है जी डेंसिटी। डेंसिटी, डेंसिटी, डेंसिटी क्या है? डेंसिटी होती है हमारे पास मैस पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी होती है हमारे पास मैस पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है? मैस पर यूनिट वॉल्यूम। इस डेंसिटी को समझने के लिए थोड़ा सा हम गौर करेंगे।
मैं आपसे सवाल करता हूं, 1 किलो गैस है एक सिलेंडर के अंदर, इतना बड़ा सिलेंडर है, 1 किलो गैस है उसके अंदर, इतना बड़ा सिलेंडर है। अब आपने सिलेंडर ले लिया इतना बड़ा, अब उसके अंदर वही 1 किलो गैस डाल दी है, मैस दोनों का क्या है? सेम। मैस दोनों का क्या है? सेम। अब एक का मैस 1 किलो है, दूसरे का भी 1 किलो है, हालांकि दो सिलेंडर है हमारे पास, दो सिलेंडर है, उनमें सेम मैस की गैस है, लेकिन एक इतना है एक बड़ा है, मैस दोनों का क्या है? सेम है, जो गैस हमने डाली हुई है। अब देखें एक का वॉल्यूम कितना है? इतना है। दूसरे का वॉल्यूम कितना है? इतना। वॉल्यूम क्या हो गया? ज्यादा। वॉल्यूम क्या हो गया? ज्यादा। आप देखें गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम हमेशा क्या होता है? ज्यादा। अब वही गैस एक रूम में फैला दें तो वो पूरे रूम के वॉल्यूम को ऑक्युपाई कर लेंगे वो गैस के मॉलिक्यूल। ये नहीं होगा कि आपने गैस रूम में छोड़ी तो वो एक कोने में जाके उसके मॉलिक्यूल यूं करके बैठ गए, ऐसा कभी नहीं होगा। वो पूरे रूम में क्या कर जाएंगे? फैल जाएंगे। अब उस फैलने की वजह से वॉल्यूम क्या हो जाता है? ज्यादा। अब गैस के मॉलिक्यूल्स हमेशा याद रखें उनका वॉल्यूम क्या होता है? ज्यादा। और मैस उनका क्या होता है? कम। जब वॉल्यूम ज्यादा होगा, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा है नीचे वाली क्वांटिटी अगर ज्यादा हो, डिनोमिनेटर अगर ज्यादा हो तो वैल्यू क्या आती है? कम आती है। यूं देख लें अगर 3/4 है, ये वैल्यू 3/4 है और एक वैल्यू है 3/9, तो ये क्या है? ये कम वैल्यू है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है? ज्यादा है। इसका डिनोमिनेटर कम है तो इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी। ऊपर तो सेम है, मैस क्या है? सेम है, लेकिन वॉल्यूम क्या हो गया आपके पास? ज्यादा हो गया। जब वॉल्यूम गैसेस का क्या होता है? ज्यादा होता है तो उनकी डेंसिटी क्या होती है? हमेशा कम होती है। तो आपको तीन प्रॉपर्टीज अभी हमने डिस्कस की, गैस के मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस कर सकते हैं। क्यों कंप्रेस कर सकते हैं? क्योंकि उनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस होती हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। मोबिलिटी, मोबिलिटी एक जगह से दूसरी जगह गैस के मॉलिक्यूल्स क्या कर जाते हैं? मूव कर जाते हैं। क्यों मूव कर जाते हैं? क्योंकि एम्प्टी स्पेसेस होती हैं और गैस के मॉलिक्यूल्स के पास हाई काइनेटिक एनर्जी होती है। और तीसरी क्या आगे? डेंसिटी। गैस के मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी क्या होती है? कम होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। अभी हम ये तीनों टॉपिक यहाँ से मैं आपको रीडिंग करवा देता हूँ बुक से, पेज नंबर 77 है, कंप्रेसिबिलिटी। देखें गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल, गैसेज को हम बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। क्यों? ड्यू टू एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान खाली जगह होती है। When gases are compressed, जब गैसों को कंप्रेस किया जाता है, the molecules come closer, molecule एक दूसरे के करीब करीब आ जाते हैं and occupy less volume, और उनका volume कम हो जाता है। पहले ये वाला volume था ज्यादा था, अब ये volume क्या हो गया? उनका कम हो गया। जब compress करते हैं तो उनका volume क्या हो जाता है? कम हो जाता है। As compared to the volume in uncompressed state, अगर हम compare करें volume से जो uncompressed, ये uncompressed state है, ये compressed state है। इसमें देखें volume ज्यादा है, इसमें देखें volume क्या है? कम है। ये हमने कम। अच्छा जी, अगली property है mobility। Gas molecules are always in a state of continuous motion। कोई 10वीं दफा बता रहा है कि gas के molecules हमेशा मुसलसल हरकत करते रहते हैं। They can move from one place to another, ये एक जगह से दूसरी जगह move कर जाते हैं। Because gas molecules possess very high kinetic energy, क्योंकि gas के molecules के पास बहुत ज़्यादा kinetic energy होती है। They move through empty spaces, ये उन खाली जगहों में से move कर जाते हैं। That are available for the molecules, जो molecules के पास मुयस्सर होते हैं। This mobility of random motion results in mixing up of gas molecules. अगर ये move ना करते तो गैसें mix कैसे होती? ना होती। Mobility की property है तो गैस क्या करती है? आपस में mix हो जाती है। इसी की वजह से क्या हो जाती है? Mobility की वजह से mix हो जाती हैं गैसें। ये property। अच्छा जी, next property क्या है जी? Density। Density हमारे पास देखें, gases have low density। गैस की density क्या होती है? कम। पहले ही मैं बयान कर चुका हूं कि गैस की जो डेंसिटी है वो क्या होती है? कम होती है एज कंपेयर टू लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। इट इज ड्यू टू लाइट मैस। इसकी वजह क्या होती है? क्योंकि मैस कम होता है, मैस हल्का होता है। इट इज ड्यू टू लाइट मैस, इसका मैस कम होता है। एंड मोर वॉल्यूम, और वॉल्यूम ज्यादा होता है। मैंने आपको बताया मैस कम होता है और वॉल्यूम क्या होता है? ज्यादा होता है।
गैस डेंसिटी इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स पर क्यूबिक डेसीमीटर। गैस की डेंसिटी को हम ग्राम्स पर क्यूबिक डेसीमीटर में भी मेजर करते हैं। तो ये हम यहाँ पे गैस की जितनी भी गैसियस स्टेट्स, हमने फिजिकल स्टेट्स पढ़ी, मैटर की फिजिकल स्टेट्स पढ़ी, वो चार स्टेट्स थी, गैस थी हमारे पास, लिक्विड था और सॉलिड था और प्लाज्मा था। प्लाज्मा को हमने छोड़ दिया, हमारे कोर्स में नहीं है। पहली स्टेट गैस थी, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हमने आगे पढ़ी। अब गैस के बारे में दो लॉज हैं, बॉयल्स लॉ है और चार्ल्स लॉ है, वो हमने पढ़ा है, वो हमने पढ़ना है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो देखें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।